लूका रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का इतुरैया और त्रखोनितिस में उसका भाई फिलिप्पुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा और वह यर्दन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकलकर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है, और अभी कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। और लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास दो कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा कि हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। इसलिए हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मत्तियाह का, और वह आमोस का, और वह नहूम का, और वह असल्याह का, और वह नोगह का, और वह मात का, और वह मत्तित्याह का, और वह शिमी का, और वह योसेख का, और वह योदाह का, और वह यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह जरुबाबिल का, और वह शालतियेल का, और वह नेरी का, और वह मलकी का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, और वह इल्मोदाम का, और वह एर का, और वह येशु का, और वह इलाजार का, और वह योरीम का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह शमोन का,
और वह यहूदा का और वह यूसुफ का और वह योनान का और वह इल्याकीम का और वह मलेआह का और वह मिन्नाह का और वह मत्तात का और वह नातान का और वह दाऊद का और वह यिशै का और वह ओबेद का और वह बोअज का और वह सलमोन का और वह नहशोन का और वह अम्मीनादाब का और वह अरनी का और वह हिश्रोन का और वह फिरिस का और वह यहूदा का और वह याकूब का और वह इसहाक का और वह इब्राहिम का और वह तिरह का और वह नाहोर का और वह सरूग का और वह रऊ का और वह फिलिक का और वह एबीर का और वह शिलह का और वह केनान का और वह अरफग्यद का और वह शेम का और वह नूह का और वह लिमिक का और वह मतुशिलह का और वह हनोक का और वह यिरिद का और वह महलेल का और वह केनान का और वह इनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का था।